हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर पढ़ा था किरचॉफ का प्रथम नियम, और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग व संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कैसा होता है, बराबर होता है। या हम यूँ कह सकते हैं, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कैसा होता है, जीरो होता है। वो क्या कहलाता है हमारे पास, किरचॉफ का प्रथम नियम। और अब किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम के अंदर धारा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि बोर्ड के अंदर भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर इस ये बिंदु क्या है, ओ है। ये बिंदु ओ क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। और उसमें हमने पढ़ा था कि किरचॉफ का प्रथम नियम संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कितना होता है, जीरो होता है। अर्थात हमने ये बताया था कि संधि की ओर जब संधि की तरफ आएगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और संधि से दूर जाएगी वो धारा कैसी होगी, नेगेटिव। यहां पर देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि की तरफ आ रही, मैं इस यहां से लेके चल रहा हूं, ये डायरेक्शन क्या है, संधि की ओर, ये उसे बोलेंगे संधि। संधि की ओर आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो 2 एम्पियर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसमें आ ये किधर आ रहा है, संधि की तरफ आ रहा है, ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव प्लस 3। ये किधर जा रहा है, संधि से दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, उसको क्या लिखते हैं अपन, माइनस। तो ये क्या कितने लिख दी, माइनस। ये किधर आ रहा है, संधि की ओर आ रही है, कितनी आ रही है, 9। तो संधि की ओर आएगी वो कैसा होगी, पॉजिटिव। और ये किधर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, माइनस का कितना हो गया, 7, बराबर कितना होगा, 0। यही पढ़ा था हमने, समेशन आई बराबर क्या होता है, 0। ये क्या कहलाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात सभी धाराओं को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वो क्या कहलाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको हल कर लेते हैं, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 9 कितना हो गया, 14, 14 माइनस का आई माइनस का कितना हो गया, 7 बराबर 0। 14 में से 7 गया तो कितना बच गया, 7 माइनस का कितना हो गया, आई बराबर 0, अर्थात आई बराबर कितना हो गया, 7 एम। इतनी जो धारा है वो धारा हमको क्या होगी, प्राप्त होगी। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सवाल और है जो आपकी किताब का क्या है, एग्जाम्पल। उसी तरीके से करना,
चित्र में दर्शाए गए जो परिपथ है उस परिपथ में या चित्र में परिपथ में धारा आय का मान अपन को क्या करना है ज्ञात करना। ये चित्र दे रखा है ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। इनमें कुछ धाराएं कितनी प्रवाहित हो रही है वो धारा के मान अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें आ रही है 3 एम्पीयर, इसमें जा रही है 1.5 एम्पीयर। यहां कितनी मिली एक्स मिली, अर्थात हम ये कहते हैं एक्स का मान अपन को क्या करना है निकालना। यहां हमारे पास कितनी जा रही है 1 एम्पीयर जा रही है। यहां वाई मिल रहा है, क्या मिल रहा है वाई। यहां 0.25 एम्पीयर और यहां क्या मिलेगा आई का मान हमको कितना प्राप्त होगा। देखिए बेटा ये हमारे पास क्या हो गई संधि हो गई, तीन या तीन से अधिक जो शाखाएं हैं उन शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाती है संधि कहलाती है। तो ये तीन शाखाएं होंगी जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु पर आप क्या निकालेंगे उसे क्या कहेंगे संधि कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा संधि। इस संधि ए पर एक्स का मान निकाल लेंगे, ये हमारे पास दूसरी क्या होगी संधि बी पर y का मान निकाल लेंगे और संधि सी से i का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये किस नियम से क्योंकि जाल बन रहा है और इसके अंदर धारा इसके अंदर निर्गत भी हो रही है प्रवेशित भी हो रही है उसके चौक के प्रथम नियम से। किरचॉफ का प्रथम संधि पहले ले लेते हैं ए पर, संधि ए पर मैंने बताया था संधि की और धारा की जो दिशा होगी उसको क्या मानेंगे पॉजिटिव, संधि से जो दूर जा रही है उसको क्या मानेंगे नेगेटिव। ये 3 एम्पियर है वो संधि की तरफ आ रही है, 1.5 एम्पियर संधि से क्या जा रही है दूर जा रही है, जो संधि की ओर आ रही है उसको क्या मानेंगे अपन पॉजिटिव, संधि से दूर जा रही है वो क्या मानेंगे अपन नेगेटिव। ये एक्स क्या जा रहा है संधि से दूर जा रही है तो इसको भी क्या मानेंगे अपन नेगेटिव मानेंगे। तो देखिए 3 एम्पीयर 1.5 किस तरह जा रही है बाहर जा रही है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 1.5 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाता है 0, समेशन i बराबर 0 अर्थात इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो इसका मान कितना आया है 1.5 माइनस x बराबर 0 अर्थात x बराबर आ जाएगा 1.5 m। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1.5 अर्थात इस x की जगह पर लिख सकते हैं 1.5 m। सेम उसी तरीके से बिंदु b पर निकालेंगे या संधि b पर निकालेंगे, संधि b पर आप देखिए ये x क्या है संधि B पर जा रही है, ये 1 एम्पियर संधि B से क्या हो रही है बाहर निकल रही है और ये y भी क्या निकल रही है अपन से बाहर निकल रही है। तो देखिए A पर आ रही है कितनी संधि B पर आ रही है 1.5, 1 एम्पियर क्या जा रही है बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो उसे क्या मानेंगे माइनस और y भी क्या जा रहा है बाहर बराबर कितना हो गया 0 अर्थात 1.5 में से 1 ले रहे तो कितना हो गया 0.5 माइनस का कितना हो गया वाई बराबर 0 अर्थात वाई बराबर कितना हो गया 0.5 एम्पीयर। वाई की वैल्यू हमारे पास निकल गई 0.5 एम्पीयर के बराबर अर्थात यहां वाई का मान कितना हो गया 0.5 एम्पीयर। इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे संधि सी पर,
संधि सी पर, संधि सी पर क्या निकलेगी? यहां देखिए संधि सी पर हमारे पास आ जाएगा संधि की ओर आ रही, संधि की ओर जैसे ही आ रही है तो हमारे पास कितना आ रहा है 0.5, संधि से जुड़ जा रही है माइनस का 0.25 और ये आई किधर जा रहा है संधि से दूर बराबर कितना हो गया 0.5 में से 0.25 घटाएंगे तो 0. कितना बच गया 25 बच गया माइनस का आई बराबर 0। सही ढंग से घटाना घटाने पर यहाँ पर गलती कर सकते हो अर्थात आई बराबर यहाँ इसका पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर के बराबर हमको क्या आ जाएगा आई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये जो सवाल है वो सवाल की कैलकुलेशन इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे हल करेंगे। मैं दो सवाल आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, इसको आपको क्या करना है हल करना है प्रैक्टिस के लिए। एक सवाल ये रहा इसमें धारा आई का मान हमको क्या करना है आई का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। सवाल नंबर इसमें दो सवाल है उन दो सवालों के अंदर धारा का मान अपन को क्या करना है ज्ञात करना है वो धारा का मान कितना।
करना प्राप्त होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या करना है बेटा, ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टा का नियम, पास का नियम, लूप का नियम। देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो द्वितीय नियम में ये ध्यान रखना है, परिपथ कैसा होना चाहिए। लूप का मतलब होता है बंद परिपथ, या पास या लूप का मतलब होता है परिपथ कैसा हो, बंद हो। उस बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ के लिए ही किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होगा। तो इस नियम में क्या होगा, कोई भी परिपथ किसी प्रतिरोधों या सेलों से युक्त, या प्रतिरोधों या अन्य अवयवों से युक्त कोई परिपथ बंद परिपथ होगा, उस बंद परिपथ में वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है, वहां पर धारा का क्या होता था, बीजगणितीय योग का मान कितना होता था, जीरो। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टता का नियम का मतलब होगा वोल्टताओं का बीजगणितीय योग का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम या पास का नियम या वोल्टता का नियम कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों से युक्त या सेलों से युक्त कोई बंद परिपथ हो, उस बंद परिपथ के अंदर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वो बीजगणितीय योग का मान कितना होता है, शून्य होता है, क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम या पास का नियम कहलाता है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे, एक दूसरी परिभाषा है उस दूसरी परिभाषा के आधार पर भी पढ़ेंगे, जिससे कि अपन न्यूमेरिकल करने में क्या होगी, आसानी होगी। कैसे लिखेंगे देखिए, इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों एवं सेलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, किरचॉफ का
वोल्टता का नियम कहलाता है। अर्थात इसे गणितीय रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे, अर्थात समेशन वी बराबर कितना हो जाएगा जी, ये क्या कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम कहलाता। इसके आधार पर एक दूसरी परिभाषा और है, वो दूसरी परिभाषा क्या थी, हम जानते हैं कि बराबर कितना होता है आईआर, वी बराबर क्या होता है आईआर, बराबर कितना लिख देंगे अपन सेल का विद्युत वाहक, या मैं कह सकता हूं वी और ई इक्वल है, वी यदि इसको अपन सेलों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा ई बराबर कितना हो जाएगा जी, ये भी वोल्ट का है ये भी वोल्ट का है, इनका योगफल कितना होता है जीरो होता है, वही तो किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम कहलाता है, अर्थात वी बराबर हम लिख सकते हैं आईआर, ओम के नियम से ए बराबर कितना हो जाएगा जीरो। इस तरीके से इसको इस दूसरे शब्दों में भी इसको हम क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में किसी बंद लूप में इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग वोल्ट प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग लूप में स्थित सेलों के लूप में स्थित सेलों के लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम या लूप का नियम कहलाता है। लूप का नियम कहलाता है, अर्थात गणितीय रूप में किस तरीके से व्यक्त करें। देखिए बेटा, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में, मैंने पहले भी बताया था कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बंद लूप, तो बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, ये हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है इस तरीके से आर, इनके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होगा विभवांतर उत्पन्न होगा, इनके जो जितने भी प्रतिरोध जुड़ रहे हैं उनके सिरों पर जितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उनका बीजगणितीय योग, और किसी परिपथ में जो सेल जुड़ रहा है सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है, क्या कहलाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, अर्थात इनके सिरों के बीच वोल्टता कितनी हो जाएगी।
वी बराबर आई आर। इनका अपन क्या करेंगे, योगफल कर रहे हैं तो समेशन कितना हो जाएगा आई आर, अर्थात समेशन आई आर बराबर समेशन ई। विद्युत वाहक बलों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता बेटा इसे। यही अपन ने लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का, वोल्टता का मतलब है V बराबर IR, ओम के नियम से वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, क्या कहलाता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। क्या कहलाता बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसके आधार पर अपन क्या करेंगे कि धारा का मान कैसे निकलेगा, हमने पहले भी बताया था, पढ़ा था उस समय कि किरचॉफ का जो नियम है वो नियम क्या करता है, जटिल परिपथ में, या मैं कह सकता हूँ जटिल परिपथ में जो धारा का मान अपन को क्या करता है, ये ज्ञात करता है। तो इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, एक सवाल देखते हैं पहले जनरल और उसके बाद में जो सवाल होगा उस सवाल को किस तरीके से करेंगे, रूप के अंदर किसी समीकरण के रूप में उस सवाल को किस तरीके से जमाते हैं और जमाने के पश्चात उसको कैसे हल किया जाता है वो आपको क्या करना है देखना है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये कोई परिपथ ले लें, इस परिपथ में अपन ने एक सेल जोड़ दिया और एक क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया। मान लीजिए ये प्रतिरोध कितना है आर, कितना है बेटा, ये सेल है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विद्युत वाहक बल कितना ले लिया मैंने, E1 ले लिया, कितना ले लिया E1। एक दूसरा सेल है, उस दूसरे सेल को भी मैंने इसके इस क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात मान लीजिए इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना बेटा R2। ये सेल कौन सा हो गया, E2। इनको अपन ने क्या कर दिया, एक तीसरे बाह्य प्रतिरोध से और क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस प्रतिरोध का मान मैंने ले लिया R3, क्या ले लिया बेटा R। अब मैं ये जो संधि हो रही है मिल रही है उन संधियों को मैं बिंदु अंकित कर रहा हूं, ये मैंने ले लिया ए बिंदु, ये मैंने ले लिया बी बिंदु, ये सी डी ई और ये ले लिया बेटा एफ। सेल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों के अंदर जो बड़ा जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या मानते हैं अपन प्लस, और छोटे को क्या मानते हैं अपन माइनस। ये प्लस और ये क्या हो गया बेटा माइनस। आप देखिए, मान लीजिए इसके अंदर जो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो धारा है हमारे पास I, इसमें कितनी है बेटा I2। अब यहां देखिए इसमें से धारा कितनी आ रही है इस पूरे में I, यहां तक कितनी आ रही है I1, इसमें से कितनी धारा जा रही है I2। ये दोनों धाराएं संधि पर मिले, कहने का मतलब है ये और ये इधर आ रही है, ये तो आ रही है I1 और ये कितनी आ रही है I2। ये हमारे पास संधि कौन सी होगी, F संधि होगी, क्या होगी बेटा F संधि। तो हमने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था, संधि की ओर आने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान कितना होता है, जीरो होता है, अर्थात जो संधि की ओर आ रही है उन धाराओं को क्या कर दिया जाता है बेटा, जोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों धाराओं को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात ये धारा हमारे पास कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा सा आपको याद करने का
अपन कहीं से भी चल सकते हैं इसमें, अपन यू चल रहे थोड़ी देर, एक एक लूप को अपन लेके चलेंगे और एक एक लूप को लेते हुए हमारे पास समीकरण बनेंगे और समीकरणों को हल करेंगे और हल करने के पश्चात हमारे पास क्या जाएगा, धारा का जिसका भी मान निकालना है उसका मान हम क्या कर लेंगे प्राप्त करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, इस माइनस से क्या जुड़ रहा है माइनस, कहने का मतलब है ये कौन सा हो जाएगा प्लस, समझने के लिए ये माइनस है इसका मतलब ये यहां तक क्या है माइनस से जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहां जाओ ये प्लस से जुड़ रहा है इसका मतलब ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास माइनस हो गया। अब एक एक लूप लेते हैं तो यहां बंद लूप, बंद लूप ले रहा हूं मैं ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए बी, ध्यान से देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा था आई आर बराबर समेशन ई, या मैं यूं कह सकता हूं आई आर माइनस समेशन ई बराबर जीरो, ले सकता हूं नहीं ले सकता। अब देखिए समेशन का मतलब है जोड़ते चलना, देखिए मैं यहां से चला इस बी बिंदु से चलता, पहले जो पॉइंट आता है प्लस आएगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस आएगा तो माइनस लिख देंगे, याद करने का तरीका है। तो आई आर इसमें कितनी, इस प्रतिरोध आर वन में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई वन प्रवाहित हो रही है, पहले चिन्ह किसका है प्लस का, किसका चिन्ह है बेटा प्लस का, तो प्लस का कितना हो गया आई वन आर वन, यहाँ कितना हो गया आई वन आर। दोबारा देख लीजिए यहां से चले मैं, पहला चिन्ह किसका है प्लस का, प्लस का क्या लिखा है आई आर आई वन इंटू आर वन, चलते ये किसका चिन्ह आ रहा है माइनस का, यहाँ लगा दो माइनस, क्या मिल रहा है ई वन, ई वन आ जाओ ये चिन्ह किसका मिल रहा है प्लस का, कितना मिल रहा है टू, ये चिन्ह किसका मिल रहा है माइनस आई टू आर टू बराबर कितना लिखेंगे जीरो। दोबारा सुन इन चिन्हों पर मत जाओ, ठीक है, इस लूप को लिया है मैंने ए बी बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा तो E1 कब इसमें आ जाएगा प्लस में।
समीकरण हमको लिखना है बेटा एक। इस बंद लूप से तो क्या कौन सा समीकरण बन गया, एक बन गया। इसी तरीके से दूसरा लूप ले लेते हैं, ये वाला नीचे वाला। अब ले लेते हैं बंद लूप, कौन सा है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ सी, ये बंद लूप। कहने का मतलब क्या पड़ रहा है, एक तो हमारे पास ये बढ़ गया, ये हमारे पास प्रतिरोध जुड़ गया, ये इस तरीके से ये हमारे पास बंद लूप, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसमें ये कितना हो गया ए टू, ये कितना हो गया आर थ्री, ये कितना है आर टू, इसमें आई टू आ रही है। इस संधि से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई वन प्लस आई टू प्रवाहित हो रही है, ये तो है हमारे पास की। अब देखो इस लूप में जो चल रहा है, इधर चल रहा है, कहने का मतलब सी से चले, मैंने बताया जहां से चलेंगे पहला चिन्ह किसका है प्लस, यहाँ इस माइनस से ये माइनस जुड़ रहा है, ये क्या जुड़ गया प्लस, ये तो क्या जुड़ रहा है इससे प्लस जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे तो है। अब देखिए यहाँ से चले अपन, पहला चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का कितना हो जाएगा आई टू आर टू होगा या नहीं होगा, आई टू आर टू माइनस ई टू, माइनस कितना हो गया ई टू, इधर आ जाओ ये चिन्ह किसका है प्लस का, प्लस का आई वन प्लस आई टू इंटू कितना हो गया आर थ्री बराबर कितना हो गया बेटा जीरो, अर्थात आई टू आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू कितना हो गया आर थ्री बराबर कितना हो गया ए टू, समीकरण नंबर कितना हो गया दो। ये हमारे पास क्या हो गया समीकरण बन गया। दोबारा देख लीजिए कहां से चले अपन, प्लस से I2 into R2 माइनस कितना हो गया E2 प्लस I1 प्लस I2 into कितना हो गया I3, ठीक है बराबर कितना हो गया जीरो। तो लिखते आ रहे हैं अपन, इसको क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने के पश्चात हमारे पास बच गए I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 into R3 बराबर E2, समीकरण नंबर दे दिया हमारे पास दो। इसी तरीके से एक बंद लूप इसको छोड़ दे अपन और एक बंद लूप ये ले लेते हैं, बंद लूप ए बी डी ई ए, ए बी डी ई ए, ये मैंने एक बंद लूप ले लिया। कहने का मतलब है ये स्थिति आ गई, ठीक है। अब देखो कहां से स्टार्ट किया हमने, यहां से ये क्या है प्लस का है तो कितना हो गया आई वन आर, बाद में क्या रहा है माइनस, माइनस का कितना है ई वन, आ जाओ यहां क्या आ गया प्लस, प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री बराबर जीरो, पक्षांतर कर देंगे I1 R1 plus I1 plus I2 R3 बराबर कितना हो गया E1, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 को हल करके I1 I2 I3 के मान ज्ञात करते हैं। इन समीकरणों में हमको R1, R2, R3 का मान दिया हुआ होगा और R1, R2, R3 का मान जैसे दिया हुआ होगा तो अपन उससे क्या कर लेंगे मान ज्ञात कर लेंगे, और मान ज्ञात करने के पश्चात I1, R2, R3 का मान हमको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। धन्यवाद।